वस्तु की गति एक समान भी हो सकती है और असमान भी। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो ये एक समान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई वस्तु पहले एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है और फिर दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर की ही दूरी तय करती है और तीसरे एक सेकंड में भी 50 मीटर की ही दूरी तय करती है और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की ही दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, क्योंकि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। लेकिन जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। अब यहाँ दो वस्तुओं ए और बी की गति के आंकड़ों को देखिए और बताइए कि दोनों वस्तुओं की गति किस प्रकार की है। वस्तु ए पहले 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे 15 मिनट में भी 10 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे 15 मिनट में भी 10 मिनट की दूरी तय करती है और चौथे 15 मिनट में भी 10 मीटर की ही दूरी तय कर रही है और ये अंत तक इसी प्रकार 15 मिनट में 10 मिनट की दूरी तय करती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये एक समान गति कर रही है। अब वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी देखते हैं। ये पहले 15 मिनट में 7 मीटर की दूरी तय कर रही है, दूसरे 15 मिनट में 4 मीटर की दूरी तय कर रही है, तीसरे 15 मिनट में 4 मीटर की दूरी और चौथे 15 मिनट में 2 मीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ ये वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये असमान गति से चल रही है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है, यानी चाल है वस्तु द्वारा चली गई दूरी की दर। एक समान गति से गति करती वस्तु की चाल हम किसी भी समय अंतराल पर निकाल सकते हैं, लेकिन असमान गति से गति करती वस्तु के लिए हम औसत चाल निकालते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि के अंतराल के बराबर होती है। यदि वस्तु की चाल v है और वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है, तो चाल यानी v बराबर s बटा t। यदि दूरी को मीटर और समय को सेकंड में लें, तो चाल का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी हो सेंटीमीटर में और समय सेकंड में, तो चाल का मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि हम दूरी को किलोमीटर में लें और समय को घंटे में, तो चाल का मात्रक बराबर है किलोमीटर प्रति घंटा। आपने सड़क पर कई जगह लिखा देखा होगा, गति सीमा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाहन की गति सीमा यानी चाल दर्शाता है। यदि हम चाल के साथ दिशा भी व्यक्त करें, तो वो राशि वेग यानी वेलोसिटी कहलाती है। यानी एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा
औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। आप अपने घर से स्कूल जाने में कितना समय लेते हैं? मान लीजिए आप 6 मिनट में अपने घर से स्कूल पहुंचते हैं। यदि आपकी औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी हुई? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हुई चाल गुणा समय। समय बराबर 6 मिनट, यानी 6 गुणा 60 सेकंड। चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4000/3600 बराबर 40/36 मीटर प्रति सेकंड। दूरी बराबर हुई 40/36 × 6 × 60 मीटर बराबर 400 मीटर। तो अगर आपको वस्तु की चाल और उसके द्वारा तय किया गया समय ज्ञात हो, तो आप उसके द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आसमान में बादल छाए होते हैं, तो बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण प्रकाश और ध्वनि की चाल में अंतर है। क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कहीं अधिक है, इसीलिए बादलों की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है।